रेलवे स्टेशन के बोर्ड में लिखे इन शब्दों का क्या है मतलब? रोजाना करोड़ों लोगों को उनके मकसद को पूरा कराने के लिए चल रही भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हम ट्रेन में सफर करने के दौरान कई स्टेशनों से होकर गुजरते हैं, जिनमें से ज्यादातर साइन बोर्ड तो सिर्फ स्टेशनों के नाम के ही होते हैं, लेकिन कई स्टेशनों में उनके नाम के आगे जंक्शन, टर्मिनस या सेंट्रल लिखा होता है। ऐसे में आप सभी के मन में कभी न कभी यह सवाल तो आया ही होगा कि आखिर ऐसा क्यों लिखा होता है। तो आइए आपके सवाल का उत्तर जान लेते हैं। दरअसल इंडियन रेलवे के स्टेशनों को मूल रूप से चार भागों में बांटा गया है, जिसमें टर्मिनस, सेंट्रल, जंक्शन और स्टेशन शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टर्मिनस क्या होता है। टर्मिनस या टर्मिनल का मतलब होता है ऐसे स्टेशन जहां से ट्रेन को आगे जाने के लिए ट्रैक ना हो। यानी आसान सी भाषा में कहें तो यह ट्रेन के अंतिम स्टेशन होते हैं, जिनके आगे रेल रूट नहीं होता। ट्रेन जिस दिशा से आई है उसे वापस उसी दिशा में लौटना होगा। वर्तमान में देश में कुल 27 टर्मिनस हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस आदि। इसके बाद सेंट्रल स्टेशन आते हैं। जिन भी रेलवे स्टेशन के नाम में सेंट्रल जुड़ा हो, समझ लीजिए कि वो उस शहर का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यानी ऐसा स्टेशन जो सबसे पुराना हो व सबसे ज़्यादा मात्रा में ट्रेनें वहाँ से गुजरती हों। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक शहर में 3 से 4 स्टेशन हों तो वहाँ के सबसे व्यस्त रहने वाले स्टेशन को सेंट्रल नाम दे दिया जाए। जैसे दिल्ली सबसे व्यस्त स्टेशन है, लेकिन उसके नाम में सेंट्रल नहीं है। भारत में कुल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल व कानपुर सेंट्रल। अब देखते हैं कि जंक्शन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जंक्शन का हिंदी मतलब होता है संधि या मिलन। तो जिस भी स्टेशन पर 3 दिशाओं से ट्रेनें आकर मिलती हों या वहां से होकर ट्रेनें 3 अलग अलग रूट्स पर जाती हों, ऐसे स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। भारत में 300 से ज़्यादा रेलवे जंक्शंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा मथुरा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से 7 अलग अलग रूट्स निकलते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए द फैक्ट आर्मी को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।